हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कैनवा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कैनवा का कंप्लीट ट्यूटोरियल यहां पर बताने जा रहा हूं। हर एक छोटी छोटी चीज में यहां पर आपको बहुत ही डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मैं आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन में। और दोस्तों इससे पहले कि हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट करें, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो टूल्स होते हैं। एक होता है कैनवा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, और दूसरा है फोटोशॉप। दोस्तों अगर आपको फोटोशॉप सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का नाम है पीएस आर्ट, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मिलेंगे। रेगुलरली अपडेट होता रहता है ये इस पे सारे वीडियोस। तो दोस्तों यहाँ पर फोटोशॉप का बताने का रीजन ये है कि फोटोशॉप की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। किसी भी चीज में फोटोशॉप की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, अगर आपको फोटोशॉप चलाना आता है तो। कैनवा में लिमिटेशंस होती है, क्या लिमिटेशंस होती है आगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जब हम धीरे धीरे कैनवा को सीखेंगे। हाँ ये बात सही है कि कैनवा को यूज करना ज्यादा ईजी होता है क्योंकि इसमें काम जल्दी हो जाता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है। और इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास फोटोशॉप का कोई भी वर्जन है, 7.0 बहुत ईजिली मिल जाता है अगर है आपके पास, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको सारी हेल्प मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो आप डाउनलोड करके सीख लें, एक स्किल भी डेवलप हो जाएगी और साथ में आपके सारे काम भी हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो की बात करें तो यहां पर हम कैनवा के बारे में सीखते हैं, और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इस चैनल पर डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पी एस आर्ट, और आपके सामने यह चैनल आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपली गूगल पे लिखना है कैनवा, और एंटर करने के बाद ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको यहां दिख रही है, यहां पे canva.com, उसको आपको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का वेबसाइट ओपन होगा, और यहां पर इसका ये इंटरफेस रहता है। तो आपको सबसे पहले यहां पर जरूरत होगी साइन अप करने की। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली गूगल से साइन अप कर सकते हैं। आपके लैपटॉप में कोई ना कोई ईमेल आईडी जरूर लॉगिन हुआ हुआ होगा। अगर आप जैसे ही साइन अप करोगे, आपका एक मिनट से भी कम टाइम में ये साइन अप हो जाएगा, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन मैंने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AB लिखा हुआ है, यानी अभिषेक नाम की ईमेल आईडी से मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। तो उसके बाद हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, और यहाँ से हमें अपना सारा काम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको बनाना क्या है, ठीक है। बनाने क्या है ये डिसाइड अगर आपको करना है तो सिंपली यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स ऊपर दिया हुआ होता है, होम पेज के पास में टेम्पलेट्स है। यहाँ पर सोशल मीडिया के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए तो सारे चीजें यहाँ पर है, पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशनल, ट्रेंडिंग, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कैनवा की ये है कि डिजाइन आपके सामने ऑलरेडी बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ एक ऑप्शन यहाँ पर, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि अगर मान लो कि मुझे बनाना है यूट्यूब का थंबनेल, ठीक है। तो सिंपली मुझे यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल लिखना है, देखिए लिखा भी नहीं उससे पहले यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है। तो सिंपली इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे थंबनेल्स के, ठीक है। ये सारे थंबनेल्स के मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं। तो अब मैं मुझे सेलेक्ट करना है कि इनमें से मुझे कौन सा चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ब्लैंक का भी मिलता है, ठीक है। ब्लैंक मतलब एक खाली पेज आ जाएगा, आप पूरा शुरू से बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको आपके पास कोई साइज है, पहले से ही आपको पता है कि आपकी कोई साइज है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि थंबनेल का साइज तो जैसे ही होता है 1280 पिक्सल × 720 पिक्सल, लेकिन नहीं आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए जैसे 420 पिक्सल × 300 पिक्सल, ठीक है। ये करना फोटोशॉप पे काफी इजी होता है क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। वैसे ही यहाँ पर कस्टम डायमेंशंस का ऑप्शन मिला हुआ था, आपको सिंपली यहाँ जाना है और कस्टम डायमेंशंस पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप होम पेज पे है तो भी आपको सेम चीज करना है, यहाँ पर जाके आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे आना है। नीचे सबसे लास्ट में आपको हमेशा एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम डायमेंशन, ठीक है। उस पर हमने क्लिक कर लिया। तो अब आप अपना विड्थ यहाँ पे सेट कर सकते हो, और हाइट जैसा कि मैंने कहा था 420 × 300, ठीक है, मैंने सेट कर दिया। और जैसे ही मैं क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक वर्क पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर जो साइज मुझे चाहिए थी वो साइज यहां पर मेरे लिए अवेलेबल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी यहां पर। और अब
इस साइज में मुझे कुछ डेवलप करना है, जैसे मुझे कोई एक पोस्ट डेवलप करना है आप जैसे मान लो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर साइड में मुझे काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे ऑप्शन, इनमें से काफी सारे ऐसे हैं जो फ्री है और थोड़े बहुत पेड भी होते हैं, ठीक है, जो फ्री होंगे उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि फ्री है, देखिए मैं यहाँ पर हूँ, मच थैंक्स लिखा हुआ जो पिंक कलर का जो है जिसमें हार्ट बना हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री लिखा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे वाले भी फ्री लिखा हुआ, थोड़े बहुत पेड भी होते हैं इसमें, लेकिन आपके काम की चीज यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने उस पर जैसे ही क्लिक किया ये यहाँ पर आ चुका है, तो अब यहाँ पर मुझे जो भी चीज इसमें चेंज करना है मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, हर चीज यहाँ पर एडिट हो जाती है, बहुत इजीली एडिट हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे कि मुझे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो ये बहुत सारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करके यहाँ पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, तो मैं इस डिलीट पर क्लिक कर दूंगा, डिलीट करते ही वो पोर्शन हट गया। अब यहाँ पर भी है ये छोटा सा पोर्शन, मुझे इतना सारा टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और ये भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, या फिर अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है ये हटा के मुझे कुछ और लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर सिंपली इसको क्लिक करूंगा और अंदर एक बार क्लिक करना है टेक्स्ट के बीच में क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करते पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डी मार्केटिंग वॉल, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डी मार्केटिंग वॉल लिख तो लिया, लेकिन ये आ रहा है सबसे नीचे, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे ना हो, मैं इसको इसकी पोजिशन चेंज करके मैं चाहता हूँ कि ये कुछ सेंटर में आ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो अब सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है मुझे इसे चेंज करना है, सिंपली वही करना है आपको, इस टेक्स्ट के बीच में क्लिक करना है और आपको जितना भी हटाना है उसको सेलेक्ट करना है, मुझे पूरा हटाना है तो पूरा सेलेक्ट कर सकता हूँ, पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए भी हम प्रेस कर सकते हैं, तो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा मेक योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये लिखा ये दो लाइन में आ गया, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये दो लाइन में आया, तो मुझे इसको खाली सिंपली स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करते ही ये एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है, तो मैंने इसको स्ट्रेच करके एक लाइन में कर दिया है, और अब मैं इसको वापस सेंटर में कर दूंगा। सेंटर में करने के लिए जैसे आप इस पर होवर करते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोनों का एक डायरेक्शन आ जाता है, उस पर जैसे मैं जाके होल्ड करता हूँ तो मैं इसको सेंटर में एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेंटर में एडजस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर नीचे थोड़ा टेक्स्ट है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जितना टेक्स्ट लिखना था हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, इस वजह से मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को या तो यहाँ से हटाना है, थोड़ा सा इधर पीछे कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, तो मैंने इसको पीछे कर दिया, तो अभी भी सही है और मेरा टेक्स्ट अब दिख भी रहा है, लेकिन अगर मान लो कि मुझे इसे हटाना है तो सिंपली जैसा कि मैंने कहा था डिलीट, इसको सेलेक्ट करके हमें डिलीट दबाना है और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, मुझे फिलहाल इसको डिलीट नहीं करना है, ऐसे भी काम चल जाएगा। अब अगर मान लो कि आपको पोजीशन भी यही चाहिए और आपका टेक्स्ट दिखना भी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में आपका टेक्स्ट आना चाहिए इसके ऊपर, पहली बात तो इसके ऊपर आना चाहिए, अभी जो टेक्स्ट है इसके नीचे आ रहा है, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके पोजिशन में हमें जाना है यहाँ पर ऊपर, देखिए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, पोजिशन में जाएंगे, ठीक है, और इसको टॉप पे क्लिक कर देंगे, ओहो सॉरी कंट्रोल जेड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड पे क्लिक करते ही ये देखिए अब ये इसके ऊपर आ चुका है, ऊपर तो आ गया लेकिन अभी भी ये यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, थोड़ा सा हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, और जो ये मेक का जो पार्ट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर हम वाइट कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमें ये मेक भी दिख रहा है और बाकी सारी चीजें भी यहाँ पर हमें इजिली दिख रही है, ठीक है, तो कलर जब भी आप कुछ दूसरा रखो तो ध्यान रखना कि आपके बैकग्राउंड का या फिर यहाँ पे जो दूसरे कलर्स है उनसे मैचिंग कलर्स रखना है, जैसे बैकग्राउंड का कलर व्हाइट था तो मैंने यहाँ पर व्हाइट रख दिया तो मैच कर रहा है, इन कलर्स के बाहर आपको नहीं जाना नहीं तो थोड़ा सा और लगेगा, ठीक है। अब ओशियन साइड यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें ये भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डी मार्केटिंग, मैं इसको मुझे चाहिए कैपिटल में तो मैं इसको कैपिटल में लिखूंगा, ठीक है, और वापस मुझे ये भी एक ही लाइन में चाहिए तो मैंने इसको एक ही लाइन में कर दिया,
और ये हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर हर चीज इस तरीके से चेंज हो जाती है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, यहां पर जो कलर्स हैं, हो सकता है इनमें से कोई कलर्स आपको पसंद ना आ रहे हो, ठीक है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जब टेक्स्ट की बात आती है तो यहाँ पर हमें कलर्स अवेलेबल होते हैं, हम यहाँ पर कलर्स चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए वो हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो कलर चाहिए वो ये है, हमने इसको रख दिया है। ठीक है, अब हमें इसका ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, इन ऑब्जेक्ट्स से कलर चेंज करना, तो ऑब्जेक्ट्स को सिंपली क्लिक करते ही यहाँ पर इसका कलर आ गया है। और कलर आने के बाद आप इनमें से कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर सेम कलर में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो उसका भी कलर आपको चेंज कर देना, नहीं तो बहुत ज्यादा ओल्ड लगेगा और अलग अलग कलर्स दिखेंगे यहाँ पर। हमें इतने ज्यादा कलर्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों का कलर चेंज कर लिया है। और इनमें इनके अलावा अगर आपको कोई कस्टम कलर चाहिए तो यहाँ पर कस्टम कलर भी है। और अगर आपको, आपके पास ऑलरेडी आपने सारे कलर्स डिसाइड कर रखे हैं, तो आपको हैशटैग, कई दूसरी वेबसाइट्स होती है वहां पर आपको हैशटैग्स मिल जाते हैं, किसी भी कलर के हैशटैग्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। जैसे कि आपको सिंपली ये हैशटैग ये नहीं चाहिए तो आप दूसरा हैशटैग डाल सकते हैं, और देखिए ये दूसरा कलर आ गया। जहां पर भी आपको हैशटैग मिल जाए किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको सिंपली लिखना है हैश कलर कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी है जहां पर हमें कलर कोड्स मिल जाते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं मुझे यहाँ पर मैं आया, एक वेबसाइट है ये HTML कलर कोड्स, तो यहाँ पर आया मैं और मुझे ये वाला कलर चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इसका कलर कोड मिल गया, मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। और कैनवा में आने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूंगा। पेस्ट करते ही देखिए वो कलर यहाँ पर आ गया। हमने इस वेबसाइट से हैश कोड उठाकर यहाँ कैनवा में डाल दिया और हमें यहाँ पर ये कलर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब हमें वही सेम चीज करनी है, या फिर ऑलरेडी ये कलर यहाँ पर आ चुका है क्योंकि हमने एक बार एंटर कर दिया, तो यहाँ पर देखिए नया कलर आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी एडिटिंग कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट ना रहे, कोई वो दूसरा बैकग्राउंड रहे। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज जो है वो आप कर सकते हो कि आपको आना है यहां पर बैकग्राउंड में। सिंपली अब यहां पर आपके पास काफी सारे बैकग्राउंड्स अवेलेबल है यहां पर, आप इनमें से आप कोई भी बैकग्राउंड उठा सकते हो, जो भी फ्री में अवेलेबल है वो सारे बैकग्राउंड्स आप यहां से उठा सकते हो। ठीक है, तो अभी यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पर ब्लू कलर है, पिच कलर है, ग्रीन कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर है। तो मैं यहां पर अगर मैं ब्लू कलर उठाता हूँ तो ये जो लेटर है यहाँ पे, जो टेक्स्ट मैंने लिखा वो मुझे दिखेगा नहीं बैकग्राउंड में। ठीक है, ग्रीन अगर उठाऊंगा तो ये वाला जो दो ऑब्जेक्ट है ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो सेम कलर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा कोई कलर उठाना है जो इन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट में ना हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये उठा लूंगा और ये उठा के सिंपली यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा, और देखिए बैकग्राउंड सेट हो चुका है। ठीक है, व्हाइट कलर हट चुका है, नया बैकग्राउंड यहाँ आ चुका है और हमारा जो पूरा डिजाइन है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे और कोई एडिटिंग नहीं चाहिए, फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मैंने सब कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए ये इमेज को डाउनलोड करना है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे टॉप पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है। PNG में अगर आप डाउनलोड करते तो अच्छी क्लैरिटी आती है, लेकिन JPG में ही डाउनलोड करने में समझदारी है, क्योंकि साइज कम होती है वेबसाइट्स पे जब अपलोड करते हैं हम किसी भी चीज को, तो हमें साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि वेबसाइट जल्दी लोड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने JPG सेलेक्ट कर लिया और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, तो ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो देखिए गाइस हमारी जो इमेज है डाउनलोड हो चुकी है, हमारे PC पे ये इमेज आ गई है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें किसी भी तरह की। अब इसमें एक चीज रह गई थी जो कि है कि हमें अगर कोई इमेज हमारे पास है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो इमेज है वो हम यहाँ पर कैसे लेके आए। ठीक है, तो उसके लिए हम वापस यहाँ आएंगे और हम YouTube थंबनेल पर जाएंगे। पिछली बार हमने कस्टम डिजाइन किया था 420x300, अब हम यहाँ पर ये वाला एक YouTube थंबनेल की एक इमेज यहाँ पर ओपन करेंगे। तो इनमें से कोई भी एक इमेज जो मुझे चाहिए होगी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इस पर मैंने डायरेक्टली क्लिक कर दिया, तो ये देखिए वो इमेज मेरे सामने आ गया है। तो अब वैसे ही मैं हर चीज यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ये जो इमेज है, ठीक है, एक गर्ल की इमेज है यहाँ पर, मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज हो यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि इस
इमेज को यहाँ अभी फिलहाल रहने दूंगा और उसके बाद में अपनी इमेज यहाँ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास ये एक इमेज है मेरी, तो मुझे इसको सिंपली ड्रैग करना है और कैनवा के अंदर ला के इसको यहाँ पर मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो ये इमेज मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। गलती से क्लिक हो गया ये। ये अपलोड हो रही है ये इमेज। अपलोड होने के बाद मैं इस इमेज को यहाँ से ले लूंगा, तो ये देखिए ये इमेज यहाँ आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं अपनी इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं ये जो पीछे वाली जो इमेज है इसको मुझे यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके सिंपली मैं इसको डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। और देखिए ये वाली इमेज यहाँ से हट गई है और मेरी इमेज यहाँ आ गई है। ठीक है, अब मेरी इमेज कोई ऐसी इमेज नहीं थी जिसमें कोई बैकग्राउंड हो, क्योंकि मेरी इमेज पीएनजी में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये इमेज पीएनजी में है। ठीक है, तो अक्सर पीएनजी वाली इमेजेस ही हमें काम आती है ऐसे केसेस में, तो सिंपली मैंने अपना इमेज यहाँ पर लगा दिया है और मेरा काम हो गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया था वैसे ही आपको सारे टेक्स्ट और हर चीज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, और उसके बाद फाइनली वापस डाउनलोड पर क्लिक करना है और पीएनजी को जेपीजी करके आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया है डाउनलोड और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको हर चीज, जो भी चीज आपको चाहिए, हर चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको बिजनेस कार्ड चाहिए, जैसे विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड कुछ भी चाहिए हो आपको, तो यहाँ पे आपको खाली लिखना है बिजनेस कार्ड, और देखिए आपके सामने बिजनेस कार्ड के सारे डिजाइन आ चुके हैं और इनमें से आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है, जैसा कि उसमें मैंने बताया है। कोई नई चीज नहीं है इसलिए मैं बार बार करके नहीं दिखा रहा हूँ। कोई भी चीज आपको यहाँ चाहिए आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा है तो आप टेम्पलेट्स के अंदर ढूंढ सकते हो। फेसबुक पोस्ट चाहिए तो फेसबुक पोस्ट पे क्लिक कर लो और फेसबुक पोस्ट उसी साइज में मिलेगी जिस साइज में आपको अपलोड करनी है। इनको पता है फेसबुक पे पोस्ट की प्रॉपर साइज क्या होती है, वेबसाइट को सब कुछ पता है। ठीक है, उस हिसाब से आपको अवेलेबल करा देते हैं, आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है और आपका काम हो जाएगा। और सभी चीजों को वैसे ही डाउनलोड करना है, और कभी कभी किसी किसी इमेजेस में आपको उसके अंदर जो शेप्स होंगे, हो सकता है आपको वो शेप्स पसंद ना आए, आपको अपने खुद के शेप्स चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये पोस्ट है, यूज दिस टेम्पलेट, इस पर क्लिक करना होगा आपको। थोड़े से वेरिएशंस होते हैं चीजों को ओपन करने के, लेकिन आपको सारे आइडियाज वहां पर मिल जाएंगे। तो मैंने इसको ओपन कर दिया है, तो ये ओपन हो गया अपने सामने। अब यहाँ पर ये जो डिजाइन है, अब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ये पेड है, ये वाला जो है ये पेड है, रिमूव वाटरमार्क्स। ठीक है, तो ये पेड, अगर ऐसी कोई चीज आती है तो आपको उसको खैर सिंपली रिमूव कर देना है। ठीक है, ये भी पेड है, ये वाला अगर आपको चाहिए बैकग्राउंड तो ये पेड है, आप इसको नहीं रख सकते, और ये वाला बैकग्राउंड भी पेड है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी पेड नहीं है। ठीक है, तो आप इस आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अब मुझे इसमें, अब देखिए लेकिन ये अब अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये पेड था, पेड वाला अगर हम लेंगे तो हमें वो सारी चीजें रिमूव करनी पड़ेगी। ये देखिए नीचे भी अगर हम देखेंगे तो काफी सारी पेड इमेजेस यूज की है और पेड डिजाइन यूज किए हैं, तो हमें उसे रिमूव करनी पड़ेगी। और ऐसे में जब हम कोई रिमूव करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको बैकग्राउंड कैसे लेना है, वो बैकग्राउंड जो आपके पास था वो तो रिमूव हो गया है, तो अब आपको चाहिए होगा नया बैकग्राउंड, तो ये नया बैकग्राउंड आ गया। उस हिसाब से आपको टेक्स्ट वगैरह एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो टेक्स्ट का कलर आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि इस बैकग्राउंड के ऊपर आपको दिख जाए। और अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इमेजेस है, ये जो आइकन्स है, ठीक है, तो अब मैंने ये आइकन हटा दिया, तो अब इसमें बचा ही क्या है। ठीक है, सब कुछ तो हट चुका है, तो अब आपको चाहिए होंगे नए एलिमेंट्स, तो आपको एलिमेंट्स के अंदर आना है। ठीक है, और अब जैसे कि ये वाला एलिमेंट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि कलर से रिलेटेड है, तो अब मैंने वो हटा के अब यहाँ पे ये लगा दिया। अब ये ग्रीन कलर इसके ऊपर इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो मुझे कोई ऐसा कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो इसके ऊपर काफी अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो इस तरीके का कलर मुझे कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा जो दिखे यहाँ पर, और उस हिसाब से मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि कहाँ दिख सकता है। आप देखिए ये येलो कलर लिया मैंने, इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूंगा और यहाँ पे नीचे सेट कर दूंगा, तो ये हाथ मुझे यहाँ पर अब क्लियर दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर रेड येलो कलर आप मिक्स हो जा रहे थे। तो इस तरीके के जो भी आइकन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए पेड़ का आइकन लेकर आया, पुराने आइकन्स में वाटरमार्क था तो हम वो उसे यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं एक दूसरा आइकन लेके आया देखिए। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप उसको दे सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे आइकन्स पूरी तरीके से एडिटेबल है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए आप सेट कर सकते हो। तो हमने सीख लिया अपनी इमेज अपलोड करना, ठीक है, बैकग्राउंड सीख लिया हमने, टेक्स्ट सीख लिया, एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया, आप कोई भी एलिमेंट्स, यहाँ पर काफी सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है, आप इनमें से किसी भी एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, ये सारे के सारे फ्री है, ठीक है, इसको खाली आपको जहां पर आपको एडजस्ट करना है आपको उसको सिंपली एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो और एरोज वगैरह है यहाँ पर, जो भी एरोज आपको चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने खुद के डिजाइन यहाँ पर बना सकते हो, और वो भी बहुत जल्दी। लेकिन फिर भी गाइस मैं एक बात आपको बता दूं, क्योंकि क्योंकि ये एक फ्री टूल है, ये एक फ्री टूल होने की वजह से ये सारी इमेजेस ऑलरेडी लोगों ने अपने वेबसाइट पे, फेसबुक पे अपलोड कर रखे, काफी सारे लोगों ने इन इमेजेस को ऑलरेडी देख रखा है, तो बार बार वो जो उनके सामने जब इमेजेस आएगी लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो इस वजह से फोटोशॉप की बात मैंने की थी, यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है कैनवा की, कि ये सारी चीजें क्योंकि फ्री है लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन फोटोशॉप में आप कंप्लीटली न्यू डिजाइन बना सकते हो फोटोशॉप का यूज करके, तो यहाँ पर सारी की सारी जो इमेजेस आप बनाओगे वो एकदम यूनिक होगी, लोगों ने इससे पहले कभी देखी नहीं होगी, तो उस पर लोगों की नजर जल्दी पड़ सकती है। बाकी अगर काम जल्दी करना है तो कैनवा तो है ही, और अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको चैनल बता दिया है, और उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप वहां जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैनवा को किस तरीके से यूज करना है। तो दोस्तों यही था कंप्लीट ट्यूटोरियल कैनवा का। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।